हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और न्यू मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ और ये मेकअप ट्यूटोरियल है साड़ी के ऊपर। ये जो मैं मेकअप ट्यूटोरियल क्रिएट कर रही हूँ वो किसी भी साड़ी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फेस पर प्राइमर लगा दूँगी। प्राइमर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। इसको मैं मेरे ओपन पोर्स पर अच्छी तरीके से लगा दूँगी। और हाँ, इस प्राइमर के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ। मेरा तो अब तक का सबसे फेवरेट प्राइमर है ये शुगर का, द मोस्ट एलिजिबल स्मूथनिंग प्राइमर। इसका बेस इतना अच्छा बनता है और हमारे फाउंडेशन में थोड़े भी क्रैक नहीं आने देता, इतना स्मूथ बेस क्रिएट करता है ये। और इसके बाद मैं मेरे फेस पर इल्यूमिनेटर लगा दूँगी, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है आफ्टर मेकअप, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर मैं इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक लंदन का। मुझे पर्सनली मेकअप ग्लोई जो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे मैट मेकअप इतना पसंद नहीं है। एंड अब मैं यहाँ पर बेस की जगह पर यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन सुप्रा। ये एक कलर करेक्टिंग पैलेट है, पर इसका पूरा बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। मैं इसी से मैं मेरा फाउंडेशन क्रिएट करूँगी। फाउंडेशन में यहाँ पर दो शेड को मिक्स करके यूज़ करूँगी। एक है FS29 एंड FS28, इन दोनों को, क्योंकि इससे मेरा परफेक्ट शेड बनता है। मैं इसी के अंदर से ये सबसे लाइट शेड का जो कलर है वो यूज़ करूँगी, FS22। ये कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी अंडर आई एंड जो भी मेरे फेस के हाई पॉइंट्स एरिया हैं, जैसे कि टिप ऑफ नोज, फॉरहेड, और फेस की कॉन्टोरिंग भी मैं इस शेड से करूँगी डार्क। और अब मैं मेरे बेस को शुगर के कॉम्पैक्ट से सेट कर दूँगी। और अब हम आई मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आईब्रोज़ को मैं फिल कर दूंगी। और आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर फॉरएवर 52 के पैलेट से कैरेमल शेड, ये एक तरह का हैक है, आप यूज़ कर सकते हो उस हैक को, कि हमारा अगर आईब्रो डिफाइनर मिल नहीं रहा है या फिर हमारे पास ख़त्म हो चुका है, तो हम किसी भी पैलेट के डार्क शेड जो ब्लैक ब्राउन के अंदर मिक्स हो, जो हमारी आईब्रो का शेड है, उससे हम आईब्रो क्रिएट कर सकते हैं। आईब्रो हमारी फिल हो चुकी है और अब आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। हम आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले हम हमारी जो आईब्रो की ब्राउ बोन है उसको अच्छे से हाईलाइट करेंगे। और हाईलाइटर के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कैरेक्टर की हाईलाइटर पैलेट। इसमें मैं ये वॉर्म शेड यूज़ कर रही हूँ। आईलाइनर लगा रही हूँ फॉरएवर 52 की। मैंने विंग वाला आईलाइनर लगा लिया है और अब मैं इस विंग वाले आईलाइनर को ब्राउन शेड से अच्छे से स्मर्ज करूँगी। इन दो कलर को सिर्फ हमने स्मज करके ये सॉफ्ट सी ब्लैक स्मोकी आईज क्रिएट कर दी हैं। आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। स्मोकी आईज मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और ये मेकअप भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सारी वेयर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो इसके ऊपर मैं इस टाइप के मेकअप ट्राई करती हूँ। हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अब मैं मेरे फेस पर ब्लश अप्लाई कर दूँगी। और ब्लश भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कैरेक्टर का, और इसमें से मैं एकदम जो न्यूड शेड है मिडल में वो यूज़ करूँगी। और अब मैं मेरे फेस को अच्छे से हाईलाइट कर दूँगी, इनर कॉर्नर को भी साथ में, और इसी हाईलाइटर के हेल्प से। और अब मैं मेरी आई लैशेस को कल कर लूँगी और मस्करा लगा दूँगी।
और काजल मैं यहाँ पर वाइट यूज़ कर रही हूँ कीको की। और अब मैं लिपस्टिक लगा दूंगी, और लिपस्टिक लगाने से पहले शुगर की मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। मुझे लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं लगी, मैंने इसलिए इसी लिप लाइनर से अंदर भी फिल कर दिया, तो बहुत ही अच्छा ये शेड लग रहा है, मेरे मेकअप के साथ परफेक्ट जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है हमारा फाइनल मेकअप। अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारा फाइनल लुक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है हमारा फाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये मेकअप मैंने बिल्कुल ही सिंपल शादी और रेगुलर के लिए बताया है। तो अगर आपको ये मेरा लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको किसी और कंटेंट पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आपको इस लुक के बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर दीजिए और मेरे पिक्स को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।